आज हम बात करेंगे ऐसे दिग्गज फिल्मी सितारों और भारतीय टेलीविजन के सितारों की जिनका छत्तीसगढ़ के साथ गहरा ताल्लुक है। वैसे तो छत्तीसगढ़ में हुनर की कमी नहीं है, पर ऐसा बहुत कम बार होता है कि यहाँ के हुनर को देश और दुनिया में पहचान मिले। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे दिग्गज फिल्मी सितारों और भारतीय टेलीविजन के सितारों की जिनका छत्तीसगढ़ के साथ गहरा ताल्लुक है और आज वो सितारे छत्तीसगढ़ का नाम बॉलीवुड में रोशन कर रहे हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पहला नंबर है अनुराग बासु। बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर अनुराग बासु को कौन नहीं जानता, पर क्या आप ये जानते हैं कि इनका छत्तीसगढ़ से गहरा नाता है। इनका जन्म 8 मई 1974 को छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में हुआ था। अनुराग बासु का बचपन और जवानी छत्तीसगढ़ में ही बीती है। इन्होंने बॉलीवुड में कई फेमस फिल्में बनाई है, जैसे शिल्पा शेट्टी और इरफान खान अभिनीत लाइफ इन ए मेट्रो, रणबीर कपूर और प्रियंका चोपड़ा अभिनीत बर्फी, गैंगस्टर, जग्गा जासूस, काइस्ट। इसके अलावा अनुराग बासु टेलीविजन रियलिटी शो के जज भी रह चुके हैं। दूसरे नंबर पर है सत्यजीत दुबे। सत्यजीत दुबे भी भारतीय सिनेमा का एक जाना माना चेहरा है। इनका जन्म 21 जुलाई को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में हुआ था। इन्होंने अपनी 12वीं तक की पढ़ाई बिलासपुर के सेंट जेवियर स्कूल बिलासपुर से की है। इसके बाद बॉलीवुड में अपना करियर बनाने ये मुंबई चले गए। सत्यजीत ने फिल्मी जगत में अपने करियर की शुरुआत रोशन अब्बास की फिल्म ऑलवेज कभी कभी से की थी। इस फिल्म के प्रोड्यूसर मशहूर फिल्म स्टार शाहरुख खान थे। इसके अलावा सत्यजीत ने एक टेलीविजन मूवी लक लक की बात है, फिल्म बंके की क्रेजी बारात, फिल्म कैरी ऑन कुत्तों में काम किया है। तीसरे नंबर पर है साहिब दास मानिकपुरी। ये भारतीय टेलीविजन का एक मशहूर चेहरा है। इनका जन्म रायपुर के पास हथबंद में हुआ था। बचपन से इनके अंदर अभिनेता बनने की ललक थी। इसी ललक को पूरा करने सन 2000 में साहिब मुंबई पहुंचे और यहां पर 7 साल उन्होंने मुंबई थिएटर हाउस में काम किया और एक्टिंग करने के लिए ऑडिशन देते रहे। इन्होंने कॉमेडी शो में आई कम इन मैडम में साजन अग्रवाल के दोस्त खिलौने का किरदार निभाया है, जिसमें इनके अभिनय को खूब सराहा गया है। इसके अलावा साहिब दास ने रानी मुखर्जी के साथ, मर्दानी अक्षय कुमार के साथ फैमिली, मल्लिका शेरावत के साथ हिस जैसी फिल्मों में भी काम किया है। चौथे नंबर पर है ओमकार दास मानिकपुरी। पीपली लाइव का फेमस डायलॉग नत्था मरेगा जरूर मरेगा। इस फिल्म को और इस डायलॉग को मशहूर करने वाले नत्था दास मानिकपुरी यानी ओमकार दास मानिकपुरी छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर के रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ की लोक नृत्य नाचा से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद हबीब तलिन के थिएटर से जुड़े, जिसके बाद इनके लिए बॉलीवुड का दरवाजा खुल गया। सन 2010 में नत्था ने आमिर खान प्रोडक्शन की फिल्म पीपली लाइव से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की है। पांचवे नंबर पर है संजय बत्रा। संजय बत्रा को किसी पहचान की जरूरत नहीं है। टेलीविजन की दुनिया में अपना नाम इन्होंने स्वर्णिम अक्षरों में लिखा हुआ है। इनका जन्म छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ही हुआ था। रायपुर के दुर्गा कॉलेज से इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। इसके बाद अपना करियर बनाने के लिए इन्होंने भी मुंबई की ओर रुख किया। संजय ने केसर, छोटी बहू, बालिका वधु, इस प्यार को क्या नाम दूं, प्यार रंगरेज, एक लक्ष्य, ज्योति, ये उन दिनों की बात है, अपहरण, बावरे, पेशवा बाजीराव जैसी धारावाहिक में काम किया है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।